देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी की दहली अशोका रोड पर वाक़े रिहायशगाह पर कुछ नामालूम अशरार ने हमला किया। इस सिलसिले में सदुद्दीन अवैसी की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई। एडिशनल DCP ने इनकी रिहायशगाह का दौरा किया। पुलिस ने शवाहद इकट्ठा कर रही है। वाज़ह रहे कि सदर मजलिस की दहली में वाली रिहायशगाह पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। सदर मजलिस ने ट्वीट किया कि दहली में इनकी रिहायशगाह पर दोबारा हमला हुआ है और 2014 के बाद ये चौथी बार है। ये हमला उस वक्त हुआ जब वो इतवार की रात 11:30 बजे जयपुर का सफ़र मुकम्मल करके दहली में घर वापस आ रहे थे। राहगीरों ने पत्थर फेंके और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि इनकी घरेलू मुलाजिमा ने इन्हें बताया कि हमला शाम 5:30 बजे हुआ। दहली पुलिस को इस वाक़े पर कार्रवाई करनी चाहिए।